आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। महात्मा गांधी की 152 जयंती पर जिला प्रशासन गांधरबल ने ली स्वच्छता शपथ स्वच्छता अभियान। महात्मा गांधी की 152 जयंती के उपलक्ष्य में आज जिला प्रशासन गांधरबल द्वारा मिनी सचिवालय परिसर गांधरबल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त गांधरबल कृतिका युद्ध सोना, डीसी कार्यालय के अधिकारियों और अधिकारियों ने स्वच्छता शपथ ली, जिसे उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने वर्चुअल मोड के माध्यम से प्रशासित किया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रतिभागियों ने राष्ट्रपिता के आदर्शों पर जीने और आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखकर भारत माता की सेवा करने की प्रबल इच्छा व्यक्त की। प्रतिभागियों ने प्रतिज्ञा की वे स्वच्छता से स्वच्छता के लिए काम करने के लिए प्रतिवर्ष 100 घंटे यानी प्रति सप्ताह 2 घंटे समर्पित करेंगे और न तो कूड़ेदान करेंगे और न ही दूसरे को कूड़ेदान देंगे। इसके अलावा वे स्वयं अपने परिवार, अपने मोहल्ले, अपने गांव और अपने कार्यस्थलों से स्वच्छता की खोज की शुरुआत करेंगे। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि स्वच्छता की दिशा में वे जो भी कदम उठाएंगे वो हमारे देश के स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। बाद में जिला प्रशासन द्वारा मिनी सचिवालय परिसर गांधरबल में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें उपायुक्त, जिला प्रशासन एवं नगर पालिका गांधरबल के अधिकारियों एवं अधिकारियों ने भाग लिया। अभियान के दौरान प्लास्टिक और अन्य आदि कचरों को एकत्रित किया गया था, जिसे उचित तरीके से निपटाया गया था। उपायुक्त ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि गांधी जी ने हमेशा स्वच्छता का संदेश दिया और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने आसपास को स्वच्छ रखने के इस सम्मानित कार्य में अपना योगदान दे। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।